Yes, so hi everyone. Just give me a minute. Let's start the session. Okay, so this session is about IUCN categorization. आपको पता है IUCN जो है रेड डेटा लिस्ट पब्लिश करती है एंड दैट लिस्ट इज़ पब्लिश्ड फॉर द फ्लोरास इन द फोना ऑफ ग्लोबल फ्लोरल एंड फौनल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो रेड डेटा लिस्ट के अंदर एक तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को, बर्ड्स को, हर किसी को क्लासीफाई, मतलब एवरी स्पीसीज इज़ क्लासीफाइड इन टू वन स्टेटस. एक स्टेटस दिया जाता है, इट कैन बी इट कैन द स्टेटस वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज. कितना पॉपुलेशन है और कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटस है IUCN कैटेगराइजेशन के अंदर वेरी करता है. अब जैसे स्पीसीज को कैटेगराइज किया जा सकता है, फॉर इंस्टांस सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है जैसे सबसे पहले नॉट इवेल्युएटेड. नॉट इवेल्युएटेड व्हेन द स्पीसीज इज़ नॉट इवेल्युएटेड इट्स जो डेंस डाइवर्सिटी है और द पॉपुलेशन है इट्स नॉट इवेल्युएटेड. एंड देन कम्स द डेटा डेफिशिएंट कि द डेटा इज नॉट इनफ, डेटा इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डर टू नो द स्टेटस ऑफ द स्पीसीज दैट पर्टिकुलर स्पीसीज. हाई पवन, ए वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई थिंक यू मिस्ड द सेकेंड सेशन जो चल रहा था, जो अभी हुआ था लास्ट टू लास्ट डेज में, बायोडाइवर्सिटी और एक दूसरा या एक्वाटिक इकोसिस्टम और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर. नॉट इवेल्युएटेड होता है, उसके बाद डेटा डेफिशिएंट होता है, उसके बाद लिस्ट कंसर्न कैटेगराइजेशन होता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि स्पीसीज जो है वो आगे थ्रेटन होना. जैसे सबसे पहला जो स्टेज आता है वो वल्नरेबल होता है कि स्पीसीज काफ़ी वल्नरेबल होता है चेंजेस के लिए. जैसे कोई इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं किसी भी साइट में जो उसका हैबिटेट है, तो उसकी वजह से स्पीसीज थ्रेटन हो रहा है. वल्नरेबल के बाद आता है एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड में उसकी पॉपुलेशन और ज़्यादा डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है. देन कम्स द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड देन कम्स द फाइनली इट इज़ एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट से पहले एक और कैटेगराइजेशन आता है जो IUCN क्लासीफाई करता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि जो स्पीसीज है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका है. जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो स्पीसीज अलाइव कहाँ पर है? स्पीसीज को या तो उसको कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर कैप्टिवेट करके रखा जा रहा है इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है, या फिर कहीं और जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, सीड गार्डन, सीड बैंक्स हो गए, वहाँ पर उसको प्रिजर्व किया जा रहा है. तो वो स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, राइट. तो ये एक तरह से IUCN की कैटेगराइजेशन है. IUCN जो है
IUCN जो है 1948 में फाइन किया गया था. IUCN वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948. इसके जो काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो हर चार साल में एक बार होती है. उसको बोला जाता है UCN काउंसिल. ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है IUCN के अंदर. UCN काउंसिल हर चार साल में, एवरी फोर ईयर्स इसकी मीटिंग्स होती हैं. ये जो रेड डेटा बुक थी ये पहली बार पब्लिश की गई थी 1964 में. 1964 वॉज द फर्स्ट ईयर व्हेन द रेड डेटा बुक वॉज पब्लिश्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. यस, हाई एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. जो भी आपके डाउट्स हो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो रेड डेटा बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1964 और IUCN अकेली एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सच काम नहीं करती है. जैसे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गई या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ कोलेबोरेशन से काम करती है. क्योंकि स्पीसीज का स्टेटस क्लासीफाई करना, उसमें स्पीसीज की पॉपुलेशन, उनके कंजर्वेशन हैबिटेट, सारा कुछ उसके अंदर कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इस लिस्ट में, जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है. रिस्क कोलैप्स करने का रिस्क, एक्सटिंक्ट होने का रिस्क जो है वो इंक्रीज होता जाता है. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे. तो कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्रीज करते हैं, स्टेटस जो है वो किसी भी स्पीसीज का वो डिक्लाइन कर जाता है, डिक्लाइन करता रहता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो आपको याद रखनी है IUCN के बारे में और इसके बारे में. अभी बात आती है कि देखो हमें कौन कौन से याद करने हैं. UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक तो वल्नरेबल स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, एक आपके एंडेंजर्ड इंपॉर्टेंट है, एक आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंपॉर्टेंट है. एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन एज सच ये देखो कि कोई एक ऐसा, जैसे इंडियन चीता है, इंडियन चीता एक्सटिंक्ट कैटेगराइज किया गया है, लेकिन अफ्रीकन चीता जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है. तो ऐसे आपसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे राइनोसिरोस है, इंडिया का जो राइनोसिरोस है, वन हॉर्न राइनोसिरोस विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इंडियन राइनोसिरोस, वो तो क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में है. लेकिन आपका जो जावान राइनोसिरोस, सुमात्रा राइनोसिरोस, वो क्या एक्सटिंक्ट हो चुकी है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं जो कि एक तरह से कि UPSC ऐसे क्वेश्चंस को पिक करता है. ऐसा नहीं है कि आपको सारे दुनिया भर में जितने स्पीसीज़ हैं उनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, बट डेफिनेटली जैसे कोई स्पीसीज़ न्यूज़ में रहता है तो उसका IUCN स्टेटस एक बार देख लो. इरावदी डॉल्फिन है, न्यूज़ में रहती है. अल्डाबारा जाइंट टोर्टोइज है, जैसे अभी गिफ्ट किया था सीचल्स, तो वो एक न्यूज़ में था, तो उसका IUCN स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कोई भी स्पीसीज है, एक तो उसका हैबिटेट और उसके थ्रेट्स कौन कौन से हैं, क्यों वो एंडेंजर्ड है, क्यों वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. क्योंकि कोई भी स्पीसीज अगर एंडेंजर्ड है तो उसके पीछे रीज़न तो हो सकता है ना कुछ थ्रेट्स वो फेस कर रहा होगा. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रीसेंट एक्सटिंक्शंस इन इंडिया. जैसे पहले आता है एशियाटिक चीता विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इंडियन चीता. ये पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया गया था, नाउ इट इज़ बीइंग एज्यूम्ड कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. उसके बाद वाइल्ड जेबू. जेबू क्या आती है, कैटल की स्पीसीज थी, ये थोड़े से ही टाइम के लिए डिस्कवर हुई थी और ये हिंदू माइथोलॉजी से, मतलब ऐसा सच की बहुत सारी वैसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऐसे मानते कि काफ़ी जैसे सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे इसको थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया था, बट देन इट बिकेम एक्सटिंक्ट. इसकी ये जब आई थी, हाँ विच एवर इन न्यूज़, जब ये आई थी तब ये उस टाइम पर दो तीन स्पीसीज ही प्रेजेंट थी और वो भी सिर्फ इंडिया में, ये इंडिया की ही एंडेमिक थी, बट देन इट बिकेम एक्सटिंक्ट. इंडियन जावान राइनोसिरोस एक्सटिंक्ट हो चुका है. नॉर्दर्न सुमात्रान राइनोसिरोस इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट है, बाकी जगह पर नहीं है. मैनी स्पीसीज हैव नॉट बीन सीन सिंस देयर डिस्क्रिप्शन. जैसे गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी, जब हमने गिर फॉरेस्ट डिस्कस किए थे ना, गिर फॉरेस्ट एज ए बायोस्फीयर, गिर फॉरेस्ट अभी नेशनल पार्क का लेक्चर या शायद यहाँ नहीं हुआ था, वो प्लस क्लासेस में होता, सॉरी. सो गिर फॉरेस्ट जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है. एशियाटिक लायंस वहाँ के एंडेमिक हैं, एशियाटिक लायंस क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. तो ये चीज़ें हैं. इसके अलावा जैसे कि पिंक हेडेड डक है और हिमालयन क्वेल है, ये पहले काफ़ी सारे रेंजेस में मिलते थे बट अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. वंस फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड द रिवराइन स्वाम्प्स ऑफ म्यांमार एंड बट फियर्ड एक्सटिंक्शन सिंस द 1950s. अभी जो है काफ़ी सारे सर्चेज हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एनी प्रूफ ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ पिंक हेडेड डक.
So it is being assumed that the pink-headed duck has become extinct now. हिमालयन क्वेल है, जैसे हिमालयन क्वेल पहले मिलती थी उत्तराखंड जो सॉरी उत्तर प्रदेश विच इज़ नाउ उत्तराखंड, मसूरी वाला जो रीजन है वहाँ पर पाई जाती थी। इसका जो लास्ट रिकॉर्ड मिला वो 1876 में मिला था, उसके बाद इसके जो स्पीसीज है वो लॉस्ट हो चुके हैं, हिमालयन क्वेल स्पीसीज, तो ये भी एक्सटिंक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज आता है पीकॉक तारंतुला। पीकॉक तरंतुला एक स्पाइडर कह लो कि स्पाइडर लाइक ऐसे है, ब्लू स्पाइडर भी इसको बोला जाता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के नेचुरल हैबिटेट। इसका सिर्फ एक ही हैबिटेट है आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसको जो थ्रेट है वो है कि फायरवुड हार्वेस्टिंग, लैंड कन्वर्जन, और इसका जो है ट्रेड भी किया जाता है, इसके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड होता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही इसका हैबिटेट है। पॉपुलेशन साइज इसका करेंटली अननोन है, बट इसके बहुत ही कम रेंजेज हैं जहाँ पर ये पाई जाती है, सो इसके पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। उसके बाद आता है वाइट बेलीड हिरॉन। वाइट बेलीड हिरॉन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया इसको, और इस ये पहले मिलता था हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान एंड ऑल्सो नेपाल में भी इट वॉज रिकॉर्डेड वंस, बट अभी इसके जो पॉपुलेशन है अभी ओनली अबाउट 50 आर लेफ्ट इन इंडिया, सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। रिसेंटली ये नामडाफा जो नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर ये डिस्कवर किया गया था, और इसका जो एक तरह से भूटान के अंदर भी इसका वो है, मतलब ब्रीडिंग साइट है, सॉरी भूटान के अंदर नेटिव है और आउटसाइड भूटान ये नामडाफा नेशनल पार्क के अंदर भी डिस्कवर हुआ था, एक नेस्टिंग साइट इसके डिस्कवर हुई थी। ये इसको एक्सटिंक्शन का थ्रेट इसलिए है बिकॉज ऑफ ऑल द जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है ब्रह्मपुत्र बेसिन में, राइजिंग और वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो वो भी इसको एक बड़ा थ्रेट है। और जैसे कि और ट्रेड तो नहीं होता है बट ये सब चीज़ें इसका थ्रेट है। ओनली अबाउट 50 आर लेफ्ट इन इंडिया, तो ये इसके बारे में वाइट बेलीड हिरॉन। उसके बाद आता है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो है इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन कैटेगरी। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि एक तो ये इंडिया की एंडेमिक ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ओके, सो ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, इसको ज़्यादातर ड्राई एरियाज जो श्रब ग्रासलैंड्स होती है ना, छोटी ग्रासेस होती है, श्रब्स एरियाज, ड्राई एरियाज, ग्रासलैंड, ड्राई ग्रासलैंड्स, वो वाला एरिया इसको पसंद आता है। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क की एंडेमिक है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। डेजर्ट नेशनल पार्क आपको पता है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है, जो थार डेजर्ट वाला पार्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। इसको ये जो बर्ड है इट हैज़ बीन ऑफ्टन बीन एसोसिएटेड विद ब्लैक बक, क्योंकि ब्लैक बक भी सेम ही हैबिटेट एक तरह से वो करती है, सेम ही हैबिटेट में रिसाइड करती है, उसको भी सेम ही टाइप का हैबिटेट चाहिए, ड्राई ग्रासलैंड्स वाला। तो इसीलिए ब्लैक बक के कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लिए जाते हैं जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को कंजर्व किया गया। वैसे ब्लैक बक की सेंचुरी है रानी बेन्नूर सेंचुरी है, कर्नाटका के अंदर है रानी बेन्नूर सेंचुरी। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थी क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात की थी। ब्लैक बक को इंडियन एंटीलोप भी बोला जाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे ब्लैक बक के बारे में, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्पीसीज। अब जैसे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात आती है तो इट रिसाइड्स इन ड्राई ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये कौन से स्केड्यूल में प्रोटेक्टेड होगा, मैंने आपको पढ़ाया था स्केड्यूल 1 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है।
पाया कहाँ पर जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था 2018 दिसंबर, द इंडियन बस्टार्ड ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ओनली 50 आर लेफ्ट वर्ल्ड्स 95%। सो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स राजस्थान के अंदर देर आर नॉट मच कंजर्वेशन एफर्ट्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पेसिस, और ये इंडिया का एंडेमिक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, इंडिया का एंडेमिक है, इंडिया में ही ज़्यादातर ये मतलब इंडिया का नेटिव भी है और इंडिया का एंडेमिक है। स्पीसीज फॉर्मरली इट वॉज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, जैसे चोलिस्तान डेजर्ट जो है थार डेजर्ट के जस्ट उधर ईस्ट वेस्टर्न साइड, तो वो पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में भी इसकी कुछ सारी स्पीसीज मिलती थी पहले, बट 2013 के बाद नो सच स्पीसीज आर डिटेक्टेड। उससे पहले देखा जाए तो जैसे आंध्र प्रदेश प्रदेश के जो ड्राई ग्रासलैंड्स है, गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है, कर्नाटका में देखो रानी बेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ पर है, कर्नाटका में, ब्लैक बक को भी सेम ही टाइप का एरिया चाहिए होता है, ड्राई ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स, तो वहाँ पर भी ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पहले मिलती थी बट अभी नहीं मिलती है। हैबिटेट वेयर इट इज़ मोस्ट ऑफ्टन फाउंड इज एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, और इट अवॉइड्स इरीगेटेड एरियाज़। इसके ख़त्म होने का एक और रीज़न है कि ये इरीगेटेड एरियाज़ को अवॉइड करती है, क्योंकि इसको ड्राई एरियाज़ पसंद होते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, अभी ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पे है इसके, क्योंकि जितने भी जैसे इंदिरा गांधी केनाल हो गया, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, तो जहाँ पर भी इरीगेशन एफर्ट्स लिए जाते हैं क्रॉप्स के लिए, तो वहाँ पर ये डिक्लाइन हो जाती है। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड नाउ, फाइन, ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड आपको समझ में आ गया, इट्स इन राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, देयर इट इज़ फाउंड। ड्राई सेमी ग्रासलैंड्स ये प्रेफर करती है। इसके अलावा ये एक लिजार्ड के ऊपर फीड करती है, टाइनी स्पाइनी टेल लिजार्ड, ये इंडियन स्पाइनी टेल लिजार्ड है, तो उसके ऊपर ये फीड करती है, तो ऑब्वियसली वो लिजार्ड भी इसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अब प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2013 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, 13 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको उनकी फेंसिंग कर दी जाती है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क के अलावा, अभी तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क में है, इससे पहले जैसे कच्छ बस्टार्ड सेंचुरी है वहाँ पर भी ये मिलते थे, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर है, रोला पाउडर सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, एक रानी बेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी, वो ब्लैक बक के लिए, क्योंकि सिंस दोनों सेम ही हैबिटेट शेयर करती हैं, तो वहाँ पर बस्टार्ड को भी कंजर्व किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है बियोस पोचार्ड, ये एक डक की स्पीसीज़ है, डाइविंग डक, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, इस ये इम्पोर्टेंट पढ़नी इसलिए भी है क्योंकि पहले ये वल्नरेबल थी, इट वॉज अर्लियर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन कैटेगरी, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी ऐसे स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना जिसका स्टेटस या तो डिक्लाइन हुआ है या फिर उसका स्टेटस इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया तो उसका स्टेटस इम्प्रूव हुआ था, जैसे वल्नरेबल है अभी, वो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, लेकिन ये वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड अभी क्लासिफाई की गई है, इसका मतलब नॉट मच एफर्ट्स हैव बीन टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। अभी ये पाई जाती है, हंटिंग और वेटलैंड डिस्ट्रक्शन जो है दो मेन रीज़न है इसके उसके लिए, क्योंकि वेटलैंड्स ज़्यादातर मार्शी एरियाज में मिलेंगी, तो हंटिंग एंड वेटलैंड डिस्ट्रक्शन आर टू मेन रीजन्स फॉर देयर बींग इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। देन कम्स अ साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन आपको पता है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी क्रेन की स्पीसीज है, क्रेन की स्पीसीज माइग्रेट करती है जिसमें से सबसे बड़ा रूट ये ट्रैवल करती है, ये सबसे बड़ा रूट इसलिए भी ट्रैवल करती है, ये इधर से लेकर इधर उधर मेडागास्कर आइलैंड्स और इधर से घूमकर भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केवलादेव का घाना नेशनल पार्क है ना, वहाँ पर ही आती है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को ही भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि साइबेरियन क्रेन यहाँ पर विजिट करती है, पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जैसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 150 अराउंड साइबेरियन क्रेन विजिट करती थी, बट अभी वो काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि केवलादेव नेशनल पार्क जो है इट्स ऑल्सो इन द मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड के अंदर भी है। मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में इसको क्यों क्लासिफाई किया गया, क्योंकि इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो रहे हैं,
मैंने आपको सॉरी यहाँ पर नहीं पढ़ाया, लेकिन मॉन्ट्रियल एकॉर्ड का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. जो रामसर साइट्स होती है, रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स को ऐड किया जाता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज. ठीक है, रामसर कन्वेंशन आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कब साइन हुआ था और उसको रामसर नाम क्यों दिया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको ऐड किया जाता है. कोई भी एक मेंबर कंट्री जो होता है, जैसे ही रामसर कन्वेंशन का मेंबर बनता है तो उसको एटलीस्ट एक साइट ऐड करनी पड़ती है, वन साइट इज़ मैंडेटरी. उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है अदर साइट्स कैन बी एडेड, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं. जैसे केवलादेव नेशनल पार्क है, वो एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है. उन्हीं रामसर साइट्स में से एक और रिकॉर्ड निकल कर आता है जिसका नाम है मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि वो सारी रामसर साइट्स जिनको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या तो चेंज हो चुके हैं या फिर वो चेंज हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, और दे आर करंटली ऑनगोइंग ए चेंज, तो उनको सारों को ऐड कर दिया जाता है मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में. अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है कि मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में ऐड कर दिया, दैट्स इट. उसके बाद प्रॉपर कंजर्वेशन मेथड्स हैज टू बी टेकन. और रामसर साइट से, रामसर जो कन्वेंशन है उनकी तरफ से देर इज ए कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट. और अगर कंजर्वेशन स्टेटस इम्प्रूव होता है तो उसको बाद में रिमूव भी किया जा सकता है. जैसे सबसे पहली जो साइट थी जिसको मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, दैट वॉज चिलिका लेक. और बाद में इट वॉज रिमूव्ड बिकॉज चिलिका लेक का जो स्टेटस था वो चेंज हो गया था, इम्प्रूव हो गया था. अभी जो है दो ही साइट्स है मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में, एक था केवलादेव नेशनल पार्क है, एक लॉकटक लेक है. अब कैसे पता चलता है कि उस साइट के जो, यस वेरी गुड, बाय द नेम ऑफ रामसर सिटी विच इज़ बेस्ड इन ईरान. अब कैसे पता चलता है कि स्टेटस इम्प्रूव हो गया है? स्टेटस पता चलता है आपको, आपने एक नाम सुना होगा, किसी भी एरिया के अंदर फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं. फ्लैगशिप स्पीसीज कह लो कि जैसे कि किसी भी एरिया के ब्रांड एम्बेसडर जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. इंडिकेटर स्पीसीज जो होते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, वो एक इंडिकेटर स्पीसीज है. कहाँ का है? गंगा रिवर का जो बेसिन है उसका. जैसे कि इरावदी डॉल्फिन एक इंडिकेटर स्पीसीज है. कहाँ का है? चिलिका लेक का है. चिलिका लेक की इंडिकेटर स्पीसीज है. तो यहाँ पर ऐसे जैसे गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, वो तब तक सर्वाइव कर सकती है जब तक पोल्यूशन ना हो या फिर हाइपर सेलाइनिटी ना हो. अगर हाइपर सेलाइन वाटर होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उस केस में गंगेटिक रिवर डॉल्फिन स्टार्ट डिसअपियरिंग. ठीक है, तो गंगा रिवर की हेल्थ, यस 1971 गंगा रिवर की हेल्थ इंडिकेट करती है ये, तो इसलिए इसको इंडिकेटर स्पीसीज बोला गया. तो जैसे इन, जैसे यहाँ पर अभी साइबेरियन क्रेन माइग्रेट नहीं करती है, कम साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट करती है, तो इसका मतलब भी ये क्या, किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सम वे जो कैरेक्टरिस्टिक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, दोज आर चेंजेस. तो साइबेरियन क्रेन यहाँ पर पहले विजिट करती थी, अभी भी करती है, बट अभी इट्स लेसर इन नंबर. क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया, साइबेरियन क्रेन को. इट्स को साइबेरियन वाइट क्रेन भी बोला जाता है और स्नो क्रेन भी बोला जाता है, ऑफकोर्स फॉर द रीज़न कि इसका कलर जो है वाइट होता है. इसकी पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं करती है, चाइना के अंदर भी माइग्रेट करती है. जैसे चाइना में माइग्रेट करती है, इधर नीचे साउथ अफ्रीका, इधर फिर ये ईरान में माइग्रेट करती है. ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर ये माइग्रेट करती है. अमंग द क्रेन्स दे मेक द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशंस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है. अब इसको थ्रेट कौन सा होगा? एक तो इनका इतना लंबा ट्रेवल वो होता है, डिस्टेंस होता है, तो हंट कर दिया जाता है इनको. इन बिटवीन अलोंग देयर माइग्रेशन रूट्स दे आर हंटेड. दूसरा रीज़न इसका ये है कि हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है. 95% ऑफ देम विंटरिंग इन द पोयंग लेक बेसिन इन चाइना, ए हैबिटेट दैट मे बी ऑल्टर्ड बाई द थ्री गॉर्जेस डैम. इन वेस्टर्न साइबेरिया देर आर ओनली 10 ऑफ दिस क्रेन्स इन द वाइल्ड. वेस्टर्न साइबेरिया में तो दिस इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. देर आर ओनली अराउंड 10 ऑफ दिस क्रेन्स इन द वाइल्ड. मतलब अभी वहाँ पर कम मिलती है, इसके नेटिव हैबिटेट में माइग्रेट करती रहती है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं.
तो ये माइग्रेट करते हैं इंडिया, चाइना, नेपाल, ईरान, बट ये सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है विच इज़ केवलादेव का घाना, केवलादेव नेशनल पार्क, वो सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट भी चला, क्योंकि आपने अभी नाम सुना होगा, अभी न्यूज़ में था, एक जो रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रायगंज बर्ड सेंचुरी वेस्ट बंगाल, उसको ये बोला गया था कि इट इज़ लार्जेस्ट एज़ कम्पेयर टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी, क्योंकि एक स्पीसीज है विच इज़ नोन एज एशियन ओपन बिल स्टॉर्क, एशियन ओपन बिल स्टॉर्क, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है रायगंज बर्ड सेंचुरी में, और बाकी सारी स्पीसीज भी यहाँ पर होती हैं, बट इट्स नॉट एस्टेब्लिश्ड येट, अभी ये चीज़ फैक्ट नहीं है, अभी सिर्फ ये डिस्प्यूट है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है, सो फार इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ एशिया, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, तो इसके बारे में याद रखना आपको। अब यहाँ पर इसके लिए कंजर्वेशन मेथड क्या लिए जा चुके हैं, जैसे एक MOU साइन हुआ है, MOU कंसर्निंग कंजर्वेशन मेजर्स फॉर द साइबेरियन क्रेन, एक MOU, एंड इट इज़ अमंग द मेंबर कंट्रीज वेयर द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट, जहाँ पर साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करती है। तो ये आप देख सकते हो, इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है, इंडिया इसका पार्टी भी है, पार्टी टू दिस कन्वेंशन, ये सारों ने MOU जो है वो साइन किया हुआ है। ये मुगल इरा के साइबेरियन क्रेन की पेंटिंग है, जस्ट कुछ ऐसा कुछ इससे एसोसिएटेड नहीं है, बस पेंटिंग है। उस्ताद मंसूर, आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन से एम्परर के टाइम पर ये पेंटर थे, कौन से एम्परर के टाइम पर ये पेंटिंग पेंटर थे, ठीक है, उस्ताद मंसूर कौन से एम्परर के कोर्ट में थे, मुगल्स के टाइम की पेंटिंग है ये, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीसीज के बारे में, वाइट रम्प्ड वल्चर। वल्चर का मैं आपको ये बता दूं कि वल्चर की सारी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सेप्ट वन, एक स्पीसीज है हिमालयन वल्चर, हिमालयन वल्चर, उसके अलावा सारी जो स्पीसीज हैं वो सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये किस में है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, दिस इज़ इन वल्नरेबल कैटेगरी। जब तक ये डिक्लाइन नहीं हुआ था तब तक ये काफ़ी सारे हैबिटेट्स में स्प्रेड था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वेस्टर्न गार्ड्स, ये सारे स्पीसीज थोड़ी बहुत अमाउंट में काफ़ी जगह पर ये पाया जाता था। वल्चर की वैसे स्पीसीज जैसे कि आपके सेंट्रल पार्ट पार्क, सेंट्रल पार्ट है जो इंडिया का, भोज वेटलैंड हो गया, इसके अलावा चाणकमर अमरकंटक, इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर वल्चर की पॉपुलेशन, इट वॉज स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, बट अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। और इसके पीछे रीज़न है क्यों ये डिक्लाइन करी, जैसे माधव नेशनल पार्क है MP के अंदर, इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, अब क्यों डिक्लाइन कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है एक ड्रग, डाइक्लोफिनाक। ये जो ड्रग है ये दी जाती है किसको, कैटल्स को दी जाती है, पेन रिलीविंग इम्पैक्ट होता है इसका, पेन रिलीविंग इम्पैक्ट होता है, कैटल्स को ये ड्रग दी जाती है, ओके नॉट येट रिमेंबर, जहांगीर के टाइम पर। सो कैटल्स के लिए को ये ड्रग दी जाती है डाइक्लोफिनाक, उनको लाइक पेन रिड्यूसिंग इम्पैक्ट होता है। अब क्या होता है, जैसे इसके ये क्या है, ये एक परसिस्टेंट पोल्यूटेंट है, तो ये कैटल्स के अंदर, कैटल्स की बॉडी के अंदर परसिस्ट करता रहता है, और काफ़ी ज़्यादा जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब मूवेबल होता है, कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कंज्यूम करे ना, तो उस स्पीसीज के अंदर भी ये जा सकता है पोल्यूटेंट। उसके अलावा ये फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, और परसिस्टेंट होता है, हाँ जहांगीर पीरियड, वेरी गुड, और फैट सोल्यूबल होता है और परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंटली ये सर्वाइव करता रहता है बॉडी में। परसिस्टेंट रहने का मतलब होता है कि इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, कि कोई भी जो हमारी बॉडी के अंदर इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो डाइक्लोफिनाक है ये कैटल्स के अंदर रहता है। तो जैसे आपको पता है वल्चर्स क्या होते हैं, एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, सबसे टॉप ऑफ द फूड चेन पे होते हैं ना सब, जो जैसे कार्निवोर स्पीसीज भी मर जाते हैं तो उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं, कार्निवोर स्पीसीज के ऊपर भी, तो टॉप ऑफ द फूड चेन के अंदर होता है सबसे ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन वैसे तो आपने पढ़ा होगा, बट अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बायो मैग्निफाई होने का मतलब है कि पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। जैसे कि सबसे पहले पोल्यूटेंट मान लो एंटर हुआ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, पोल्यूटेंट कोई भी पोल्यूटेंट नीड टू हैव ऑल दिस थ्री प्रॉपर्टीज़, उसके पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इट शुड बी मूवेबल, इट शुड बी फैट सोल्यूबल, इट शुड बी परसिस्टेंट, इट शुड नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि अगर वो बायोडिग्रेडेबल हुआ तो उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा उसी लेवल के ऊपर। परसिस्ट और फैट सोल्यूबल नहीं हुआ, वाटर सोल्यूबल हुआ तो इट कैन बी
रिमूव्ड आउट ऑफ एक्सक्रीटा एंड यूरिन, उसके बाद मोबाइल नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा. तो मान लो कि फर्स्ट लेवल के ऊपर पोल्यूटेंट एंटर किया, यस एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट, वो क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन. उसके बाद जैसे ही सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जो कार्निवोर्स हैं वो इनके ऊपर फीड करेंगे तो वो जो पोल्यूटेंट है उनकी बॉडी के अंदर तो जाएगा ही, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होगी क्योंकि सेकेंड लेवल के जो स्पीसीज़ है वो एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. सिमिलरली फिर थर्ड लेवल के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, जो एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, पोल्यूटेंट की. जो पोल्यूटेंट परसिस्टेंट है, फैट सोल्यूबल है, मोबाइल है, उसकी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन से स्पीसीज़ के अंदर होगी, जो टॉप लेवल के ऊपर है, जो एट द टॉप है, एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. टॉप ऑफ द फूड चेन में कौन से होते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, तो वल्चर्स होते हैं. तो जैसे वल्चर्स इन सारी कैटल्स के ऊपर, एक से ज़्यादा कैटल्स के ऊपर फीड करते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक उनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से किडनी फेलियर ये उनके अंदर कोच करती है, ये उनके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है. तो ये जिसकी वजह से वल्चर्स की डेथ हो रही है, तो अभी ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है डाइक्लोफिनेक. इट इज़ ए कैटल पेन रिलीविंग कैटल ड्रग विच इज़ गिवन टू द कैटल्स. तो बायो मैग्निफिकेशन होकर ये उसमें पहुँच जाती है, वल्चर्स के अंदर पहुँच जाती है. तो ऑब्वियसली इसको कंजर्व करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या हो सकता था, कि ये जो ड्रग है इसको रिमूव करना. तो एक सब्स्टिट्यूटेड ड्रग सजेस्ट की गई है विच इज़ नोन एज मेलोक्सिकैम. मेलोक्सिकैम एक अनदर सब्स्टिट्यूट है जो कि कैटल्स को दिया जाता है ताकि वल्चर्स को के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना हो. करंटली अभी जो पॉपुलेशन है वल्चर्स की वो कंबोडिया और बर्मा, इंडिया के अंदर काफ़ी स्मॉल है और वहाँ पर भी काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है. अभी डाइक्लोफिनेक का जो यूज़ है वो बैन किया गया वेटरनरी प्रैक्टिसेस में, एंड इट हैव बीन अंडरवे इन सेवरल साउथ एशियन कंट्रीज़. कंजर्वेशन मेजर्स कई सारे और लिए गए हैं, जैसे कि कहीं और साइट से री इंट्रोड्यूस करवा देना, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाना, मतलब कैप्टिवेट करके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग, या फिर कई सारे वल्चर रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए गए हैं जिसके अंदर वल्चर्स के लिए आर्टिफिशियली, जैसे कैटल्स वगैरह को ना खाकर वैसे आर्टिफिशियली जो वल्चर्स को फीड करवाया जाता है, ताकि क्योंकि ताकि वो जो ड्रग है उसका इफेक्ट ना हो. तो वल्चर रेस्टोरेंट्स ये भी एक अनदर प्रोग्राम्स है. इसके अलावा कैप्टिवेट करके ब्रीडिंग करवाना, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं. 2014 में एक सेव प्रोग्राम आया था जिसका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन. सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, इंडिया इसका सिग्नेटरी, इंडिया ने इसको इंडिया मतलब इसका मेंबर है. ये प्रोग्राम था जिसके अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग की बात की गई थी वल्चर्स की, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज है बंगाल फ्लोरिकेन. बंगाल फ्लोरिकेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ये बर्ड की स्पीसीज है, बंगाल बस्टार्ड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये बस्टार्ड स्पीसीज है तो आपको इसका हैबिटेट तो पता ही होगा कि ये ड्राई ग्रासलैंड्स में रिसाइड करना ज़्यादा पसंद करती है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है वैसे ही. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो ये याद रखना कि बस्टार्ड की स्पीसीज सारी ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हो गया, बंगाल बस्टार्ड हो गया. इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन स्कैटर्ड सी है, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ पॉपुलेशन मिलती है, फिर बांग्लादेश में, ऐसे इसकी पॉपुलेशन जो है पाई जाती है. उसके बाद आता है जेडन्स कर्सर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. जेडन्स कर्सर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. जेडन्स कर्सर जो है ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंडेमिक स्पीसीज है. एंडेमिक है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ पाया जाता है. रिस्ट्रिक्टेड रेंज का मतलब होता है कि कोई भी एक स्पीसीज जब रिस्ट्रिक्टेड रेंज का होता है तो उसके इंटायर लाइफ टाइम वो इतने ही एरिया में एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज तक वो मूव करता है, एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज के तक, फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज इन हिज लाइफ, रिप्रोडक्शन के लिए. तो ये इतना सा मतलब इसका एक एरिया होता है, रेंज होता है जिसमें ये मूव करता है. ये आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आंध्र प्रदेश. और ये श्रब ज़्यादातर श्रब फॉरेस्ट विद पैचेज ऑफ बेयर ग्राउंड उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एंडेमिक है, इंडिया का एंडेमिक है और आंध्र प्रदेश में सिर्फ रहता है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार ये क्लासिफाई किया गया था एक्सटिंक्ट, एक बार इसकी कोई भी पॉपुलेशन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, क्योंकि लैंड को कन्वर्ट कर लिया जाता है वहाँ पर, जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी जाती हैं. उसके बाद 1988 में इसकी स्पीसीज फिर से डिस्कवर हुई थी, 1988 में.
तो जैसे ही इसकी स्पीसीज डिस्कवर हुई, इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक स्टाम्प रिलीज किया था इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रीडिस्कवरी, इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द रीडिस्कवरी। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछ लेते हैं सीधा कि कौन सा ऐसा स्पीसीज था जिसके नाम पर ये इंडियन पोस्टल सर्विस रिलीज ए स्टाम्प। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोमासिला डैम, क्योंकि ये ड्राई एरियाज़ को पसंद करता है, तो जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डैम्स या रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये रिलोकेट माइग्रेट कर जाता है किसी और साइड पर, तो वो भी एक अनदर रीजन है, तो वो लॉस ऑफ हैबिटेट में ही आ गया इसके अंदर। बाकी और कोई इसका ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसका ट्रेड होता है या फिर इसको सिर्फ एक ही रीज़न है इंडेंजर्ड होने का, लॉस ऑफ हैबिटेट। उसके बाद आता है पौंडेचेरी शार्क। पौंडेचेरी शार्क क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडिया के बाहर भी ये पाई जाती है, इंडिया में ये लिमिटेड ही है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस, बाकी ज़्यादा इसमें रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है गंजेश शार्क। गंजेश शार्क भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सो जस्ट रिमेंबर दैट शार्क की स्पीसीज है गंजेश एंड पौंडीचेरी, बोथ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद आता है चिलिका स्पॉटेड स्किंक, नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन लीव इट, छोड़ सकते हो इसको ऐसे स्पीसीज को। उसके बाद आता है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन को बातागुर बस्का भी बोला जाता है, बातागुर बस्का। ये एक फ्रेश वाटर टर्टल की स्पीसीज है, टर्टल है ये, फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है, और ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। ये दो स्पीसीज होती है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन और सदर्न रिवर टेरापिन। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, सदर्न रिवर टेरापिन ज़्यादातर जैसे म्यांमार, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन यहाँ पर पाई जाती है। और रिवराइन टर्टल है एंड इट्स फ्रेश वाटर टर्टल, इट इज़ स्ट्रॉन्गली एक्वाटिक, कम्प्लीटली एक्वाटिक, बट यूजेस टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट्स, फ्रीक्वेंटिंग द टाइडल एरियाज ऑफ एस्चुरीज, लार्ज रिवर्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसके बाद आता है रेड क्राउन रूफ टर्टल। रेड क्राउन रूफ टर्टल ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनको सबसे बड़ा थ्रेट होता है, एक तो ये जो घोस्ट नेट्स होती हैं, घोस्ट नेट्स मतलब जो फिशिंग नेट्स जो पानी के अंदर रह जाते हैं वॉलंटरली या फिर एक्सीडेंटली, तो वहाँ पर ये उनके अंदर स्टक हो जाती है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन, ये इसका दूसरा रीजन है जिसकी वजह से टर्टल की स्पीसीज डिक्लाइन करती है, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, तो ये तीसरा रीज़न होता है इसके, इनके एंडेंजर्ड होने का। इसके अलावा हैबिटेट लॉस, दिस इज़ कॉमन रीज़न फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज, हैबिटेट लॉस, हंटिंग हैबिटेट लॉस एट्सेट्रा, तो ये सारे हैं जिनकी वजह से टर्टल की स्पीसीज डिक्लाइन कर रही, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। बाकी उसके बाद आता है इंडियन राइनोसिरोस। इंडियन राइनोसिरोस इंडिया का एंडेमिक है एंड इट्स वल्नरेबल इन कैटेगरी, वल्नरेबल है ये याद रखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है विच इज़ नोन एज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर ये पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वन हॉर्न राइनोसिरोस और इंडियन राइनोसिरोस, इट्स वल्नरेबल इन कैटेगरी। स्ट्राइप्ड हाइना ये नहीं पढ़ना है, क्यों ये कवर किया गया, आई डोंट नो। उसके बाद आता है इंडियन वाइल्ड एस। इंडियन वाइल्ड एस मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था ना, एक सेंचुरी थी जैसे गल्फ ऑफ कच्छ सेंचुरी में, कच्छ सेंचुरी में पाया जाता है, और ये नियर थ्रेटन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का एंडेमिक है। यमालिया ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, बट स्टिल ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एंडेमिक है तो आप सोचोगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, बट ये नियर थ्रेटन्ड है। यहीं पर गुजरात के अंदर एक और स्पीसीज है विच इज़ फाउंड इन गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, उसका एक वायरस है जिसकी वजह से, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है और इंडियन वाइल्ड एस नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया। उसके बाद आता है शंघाई डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शंघाई डियर जो है एंडेमिक है, इंडिकेटर स्पीसीज भी है, फ्लैगशिप स्पीसीज भी है, कहाँ का, लॉकटक लेक का, लॉकटक लेक में ये पाया जाता है। लॉकटक लेक भी मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड के अंदर ऐड की गई है, वहाँ पर आपको पता है फ्लोटिंग वेजिटेशन है, फ्लोटिंग वेजिटेशन जिसको फुमड़ी बोला जाता है, फ्लोटिंग हेट्रोजीनियस वेजिटेशन फुमड़ी, और यहाँ पर ओनली वन एंड ओनली नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नोन एज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इट्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, कैबुल लामजाओ, ये भी यहाँ पर है। तो ये जो शंघाई डियर है ये फीड करता है इस फुमड़ी वेजिटेशन के ऊपर। शंघाई डियर, इसको ब्रो एंटीलियर डियर भी बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है, ब्रो एंटीलियर डियर,
ठीक है, ये अपने जीनस का सिर्फ एक यूनिक स्पीसीज होता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। ये स्टेट एनिमल भी है मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर के अंदर लॉकटक लेक है। तो शंघाई डियर, इट्स एंडेमिक, इट्स फ्लैगशिप स्पीसीज, इट्स इंडिकेटर स्पीसीज, हर टाइप का। एक सेशन रहेगा जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्पीसीज क्या क्या होते हैं, की स्टोन कौन से होते हैं, और या फिर फाउंडेशन स्पीसीज कौन से होते हैं, या फिर अम्ब्रेला स्पीसीज होती हैं, और इसके अलावा ये इंडिकेटर स्पीसीज हो गया, फ्लैगशिप स्पीसीज, तो ये सारे स्पीसीज के बारे में हम लेटर पढ़ लेंगे। केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये इसका नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट आपको समझ में आ गया होगा, पिछली क्लास में हमने इन्वेजिव स्पीसीज पढ़ी थी। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरली ये यहीं पर पाया जाता है, कहीं और से इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। ठीक है, जो कहीं और से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं वो नॉन नेटिव होते हैं। नॉन नेटिव को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि नॉन नेटिव होते हैं या नॉन इन्वेजिव भी हो सकते हैं, इन्वेजिव भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक नॉन नेटिव स्पीसीज जो है वो इन्वेजिव हो। तो शंघाई डियर के बारे में ये चीज़ याद रखना, मार्शी ग्रासलैंड्स में ये रिसाइड करता है। स्केड्यूल वन के अंदर ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये तो बताएं, एज फार एज द स्केड्यूल इज कंसर्न, इट्स स्केड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। केबू लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर है ये, पाया जाता है, एंडेमिक है वहाँ का। रिटर्न ऑफ शंघाई, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वैसे तो याद आ जाएगा बट ऐसा पूछेगा भी नहीं यूपीएससी, रिटर्न ऑफ शंघाई। इसके अलावा शंघाई फेस्टिवल है जो कि मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट होल्ड करता है। ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, मणिपुर का। उसके बाद आते हैं गौर, ये इंडियन बिसोन है। इंडियन बिसोन ये एक कैटल की स्पीसीज होती है, लार्जेस्ट बोवाइन कैटल, इंडियन बिसोन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कैटल की स्पीसीज है, ये वल्नरेबल है। अगेन वन हॉर्न राइनोसिरोस स्पीसीज को ना कैटेगराइज करो, जैसे वन हॉर्न राइनोसिरोस की कैटेगरी में ये आ गई गौर, इंडियन बिसोन। इसके अलावा वल्नरेबल और कौन से स्पीसीज है वल्नरेबल, ये तो शंघाई डियर तो एंडेंजर्ड है, और वल्नरेबल इंडियन राइनोसिरोस था, अभी तक इंडियन राइनोसिरोस ही कवर हुआ है जो वल्नरेबल है। ये इंडियन बिसोन की स्पीसीज है, ज़्यादातर आपकी पाई जाती है नॉर्मल एरियाज में, जैसे सेंट्रल इंडिया के जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर पाई जाती है, बाकी एज सच कोई यूनिक नहीं है। वल्नरेबल कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। ये टोलेस्ट है, सबसे टोलेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीसीज है। नीलगाय नहीं कवर करना है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी, नीलगाय जो है उसको वर्मिन स्टेटस दिया जाता है कहीं कहीं पर। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, वर्मिन स्पीसीज जो है, वर्मिन स्टेटस, ये कौन से स्केड्यूल में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से स्केड्यूल में ये होता है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, इट्स लीस्ट कंसर्न इन कैटेगरी, इसीलिए इसको वर्मिन स्टेटस कई बार दे दिया जाता है, क्योंकि ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसको मारने के लिए बोल दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। Earlier it was classified as critically endangered, but now it is vulnerable, क्योंकि इसके कई सारे efforts लिए गए थे, conservation efforts। Snow leopard के लिए एक declaration भी sign हुआ था, और snow leopard ज़्यादातर पाया जाता है Indian Himalayas में, जो Himalayan areas हैं वहाँ पर ये मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, जो आपका हिमालयाज का बेल्ट है ना, ट्रांस हिमालय, शिवालिक तक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इट्स स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चीज़ याद रखना, उत्तराखंड का नहीं है, इट्स स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। यस, वेरी गुड, स्केड्यूल फाइव हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, इट्स वल्नरेबल इन कैटेगरी। इसके कंजर्वेशन के लिए एक तो बिश्केक डेक्लेरेशन साइन हुई थी, बिश्केक डेक्लेरेशन पूछ सकते हैं आपसे, दिस इज इम्पोर्टेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज एंड इट्स एनवायरमेंट। 2015 वॉज द ईयर विच वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड। 2015 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द स्नो लेपर्ड। इसके अलावा ग्लोबल स्नो लेपर्ड फॉर्म भी है, विच वॉज फॉर्म्ड इन 2013, जिसके अंदर वो सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे ओब्वियसली हिमालयन रेंज कंट्रीज जो हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उधर आगे माउंटेनियस रीजन्स जो हैं, नेपाल, पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये 2013 के अंदर ये फोरम एस्टेब्लिश किया गया था, बिश्केक डिक्लेरेशन लिया गया था, 2015 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड। और बाकी इसके जो एरियाज है प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे हैमिश नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर, दिबैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश की, और नंद देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, तो इधर इधर ये पाया जाता है। वर्मिन स्टेटस का क्या होता है, स्केड्यूल फाइव के अंदर होता है। वर्मिन का मतलब होता है कि
वर्मिन का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के पीरियड ऑफ टाइम के दैट स्पीसीज कैन बी हंटेड दैट स्पीसीज कैन बी हंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कोई एक स्पीसीज है जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हो रही है, तो उस स्पीसीज को ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसको मारा जा सकता है. ठीक है, तो उसको दैट स्पीसीज कैन बी हंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज डिक्लेयर्ड दैट मीन्स दैट स्पीसीज हैव गॉट वर्मिन स्टेटस. ये फॉर एवर के लिए नहीं होता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस ऑफिसर लाइसेंस नीड्स टू बी इशूड. एक लाइसेंस इशू होता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस एंड दैट लाइसेंस हैज ए वेल डिफाइंड वैलिडिटी. ठीक है, उसके बाद आता है घड़ियाल. घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है. यहाँ पर आप मुझे इसका जो माउथ होता है इट्स लाइक स्नाउट की वजह से इट इज़ नोन एज द घड़ियाल. इसका जो लोकल नेम है इट्स इंडिया, बेसिकली इंडिया. ठीक है, तो अर्दन वेयर पॉट की तरह इसका माउथ होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द घड़ियाल. घड़ा से जो वर्ड डिराइव हुआ है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. और आप मुझे बताओगे कि नॉर्मल क्रोकोडाइल्स और इसमें क्या डिफरेंस होता है. वैसे ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, इट इज़ जस्ट कि बायोलॉजिकल सिर्फ स्नाउट तो हो ही गया है, बाकी फीडिंग भी इनकी थोड़ी सी अलग अलग होती है. हैबिटेट जो है इट इज़ फाउंड इन द फ्लोइंग रिवर्स विद हाई सैंड बैंक्स दैट दे यूज इट फॉर बिल्डिंग नेस्ट. घड़ियाल्स वंस इनहैबिटेड ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. जैसे यमुना और इसके ट्रिब्यूटरीज में ज़्यादातर पाई जाती है. चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर में भी है. राम गंगा विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. नेपाल के अंदर भी ये पाई जाती है. तो ये रिवर आइन हैबिटेट्स में पाई जाती है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में एक चंबल घड़ियाल सेंचुरी है. 2017 में क्वेश्चन आया था कि अगर आपको घड़ियाल देखने हो तो आप कहाँ पर विजिट करोगे, तो चंबल जो है, चंबल घड़ियाल सेंचुरी. मैंने आपको बताया था सेंचुरी जो होती है दोज आर डेडिकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज, तो चंबल घड़ियाल सेंचुरी इज डेडिकेटेड फॉर घड़ियाल्स. थ्रेट्स कौन कौन से हैं, तो इनको हंट कर दिया जाता है. दे आर यस हैबिटेट इज डिफरेंट. दे आर हंटेड फॉर स्किन्स एंड ट्रॉफीज, एंटरटेनमेंट पर्पज, एंड इंडिजीनियस लोकल मेडिसिनल हर्ब्स प्रोवाइड करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है. देयर एग्स आर कलेक्टेड फॉर कंजम्पशन पर्पज. एग्स आर कलेक्टेड फॉर कंजम्पशन. इसके अलावा इसके थ्रेट और कौन कौन से हैं, जैसे कि रिवराइन हैबिटेट का डिक्रीज हो जाना, डैम्स बैरेजेस डिक्रीज हो जाना, इरीगेशन केनाल्स का कम हो जाना, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स या फोर्टिफिकेशन कर दिए जाते हैं, सिल्टेशन, हैवी सिल्टेशन, वो भी एक रीज़न है, और जिसकी वजह से रिवर कोर्सेज जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है. इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर, राइपेरियन एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग, जो इरीगेशन होती है जहाँ पर, और ग्रेजिंग बाई लाइफ स्टॉक, तो ये भी एक क्या होता है, इट डिसरप्ट द घड़ियाल बिहेवियर एंड मे इवन फोर्स लोकल पॉपुलेशन टू डेजर्ट द एरिया. फिश रिसोर्सेज, क्योंकि फिशिंग को कंज्यूम करते हैं, उनके डेप्लीट होने की वजह से भी ये वो हो रही हैं. तो उनके डेप्लीट होने के क्या रीज़न है, ओब्वियसली ओवर फिशिंग हो गया या फिर फिशिंग नेट्स हो गए जिनमें सफोकेट होकर उनकी डेथ हो जाती है, एंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स, तो ये भी इसका एक रीज़न होता है. सो ये कुछ सारे थ्रेट्स हैं विच द घड़ियाल्स आर फेसिंग. कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लिए जा चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कवर्ड इन स्केड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. रीज़न बींग दे आर इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो स्केड्यूल वन के अंदर है. एक प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है विच वॉज स्टार्टेड इन 1975. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस UNDP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस UNDP प्लस FAO, UNDP प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ए स्पेशलाइज एजेंसी, तो वहाँ पर ये उनके द्वारा ये चलाया गया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल. इसके अंदर क्या किया जाता है, इंटेंसिव कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर रन फॉर घड़ियाल कंजर्वेशन. प्रोटेक्टेड एरियाज इसके कौन से हैं, फॉर इंस्टांस नेशनल चंबल सेंचुरी, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर है आप मुझे बताओगे. घड़ियाल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गोदावरी रिवर, बट अभी नहीं डिस्कवर हुई हैं. एक बार डिस्कवर हुए थे बट देन देवर नॉट डिस्कवर्ड इन गोदावरी रिवर. उसके बाद आता है एलवीरा रेट. एलवीरा रेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिला था और ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए मिला था. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तमिलनाडु में पाया गया था. और एलवीरा रेट है तो ड्राई डेसिडुअस श्रब लैंड फॉरेस्ट के अंदर ये रिसाइड करता है. इसके 6 मेन थ्रेट हैं, हैबिटेट लॉस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट,
फ्यूल वुड कलेक्शन, माइनिंग हो गया एंड डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन द फुटहिल्स ऑफ स्मॉल हिलॉक्स. इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग. तो ये 6 मेन थ्रेट्स हैं जो कि एलविरा रेड की स्पीसीज फेस कर रही है. ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर पाया गया था. ऑलराइट, उसके बाद आता है गोल्डन लंगूर. गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, स्केड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है, साइट्स के अंदर भी प्रोटेक्टेड है. मैं आपको साइट्स के बारे में बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि साइट्स के अंदर कोई स्पीसीज, वही सारे स्पीसीज प्रोटेक्ट होती है जिसका ट्रेड एक मेजर थ्रेट होता है, कि इलीगल ट्रेड की वजह से उनकी स्पीसीज थ्रेटन्ड है. जैसे एलिफेंट हो गया, टिथ का ट्रेड होता है, वो आइवरी का ट्रेड होता है. इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे बस्टार्ड की स्पीसीज को भी यूज़ कर लिया जाता है, और जैसे शंगा वो है, क्या कहते हैं, चांगतांग गोट है, तो उसका भी ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है. तो जो ट्रेड की वजह से थ्रेटन्ड है उनको साइट्स के अंदर कवर किया जाता है. तो गोल्डन लंगूर का जो है स्पेसिमेन या इसके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड होता है. ये पाया जाता है एवरग्रीन मॉइस्ट फॉरेस्ट में, रिवराइन और मॉइस्ट डेसिडुअस एरियाज के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्डन लंगूर मॉइस्ट, थोड़े से मॉइस्ट एरियाज के अंदर मिलता है. इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जैसे इंडिया के अंदर मानस नेशनल पार्क हो गया, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक नेशनल पार्क, नामडाफा हो गया. नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर मिलता है गोल्डन लंगूर. थ्रेट क्या क्या, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हंटिंग है, और नॉइज पॉल्यूशन भी इसको एक बड़ा थ्रेट है. बाकी जो आर्टिलरी फायरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं बामुनी हिल्स में मिलिट्री के लिए, तो वो सारी भी इसके मेन थ्रेट्स हैं. वो उनकी वजह, क्योंकि नॉइज़ होता है ना, तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन इसका एक बड़ा थ्रेट फेस करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से. ऑलराइट, बाकी रेस्ट ऑफ द स्पीसीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन, सिंस द टाइम इज़ ओवर नाउ. देयर सो मेनी थिंग्स जो कि डिस्कस करने पड़ जाती हैं वन आवर सेशन में. तो पार्ट टू, इट्स पार्ट टू विल बी कंडक्टेड सून ऑन यूट्यूब चैनल, सो स्टे अपडेटेड. ऑल्सो यू कैन जॉइन द कम्प्लीट कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस. इन ऑर्डर टू गेट डिस्काउंट यू कैन यूज़ माई कोड MVINITA450 इन ऑर्डर टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान. वहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स जो है वो चल रहा है. सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर.